गैंग रेप के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते उन्नाव रेप पीड़िता आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। सड़क हादसे में घायल पीड़िता और वकील का इलाज लखनऊ के KGMU के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। पिछले 3 दिन से उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। अस्पताल के अंदर पीड़ित लड़की ICU में है और अस्पताल के बाहर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। किस रूप में क्या हुआ उस परिवार के साथ, एक्सीडेंट हो गया और कितने परिवार के सदस्यों की जान चली गई, ऐसा कहाँ हुआ होगा, इसलिए वो परिवार न्याय चाहता है और हमें उम्मीद है कि सरकार न्याय देगी। एक तरफ समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होने का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मांग को लेकर कांग्रेस का लखनऊ में 3 दिन से धरना प्रदर्शन जारी है। मासूम बच्ची के साथ जो अभी उसने जीवन भी नहीं देखा है ठीक से, उसके साथ बलात्कार सत्ता के नशे में चूर होकर होता है, जब उसके खिलाफ आवाज उठाती है तो उसके पिता को फर्जी मुकदमे में फंसा कर थाने के अंदर पीट पीट कर मार डाला जाता है, जब उसका चाचा आवाज़ उठाता है तो उसे फर्जी मुकदमे में फंसा के जेल में बंद कर दिया जाता है, और जब वो पीड़िता मिलने जाती है तो उसको रास्ते में एक ट्रक जिसमें नंबर पोता हुआ है, नंबर छिपाया हुआ है, रॉन्ग साइड से आके ठोकर मार देती है। तो ये तो सुनी थी कहानियाँ, लोकतंत्र में नहीं तानाशाहों की ये कहानियां थी। पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए आज अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात भी की। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी पीड़ित से मिलने पहुंची। उधर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पीड़ित की चिट्ठी देर से मिलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी है। 2 साल से बाहुबली विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगाते लगाते पीड़ित आज हर पल सांसों की गुहार लगा रही है। लखनऊ से संदीप खेर के साथ अनु सिंह की रिपोर्ट।